आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी और यूनिक सी एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो रेसिपी का नाम है कीमा केक। मैंने उसे नाम दिए कीमा केक। आप जो आपका दिल चाहे वो नाम रख लें, लेकिन बहुत मुनफरद और बहुत जायकेमंद यह डिश है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे जाके सेट कर दें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी जो है वो आपको आसानी से देखने को मिल सके। सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करा करें, क्योंकि हुकूमत में इससे कोई टैक्स नहीं रखा है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 पाव कीमा, 1 अदद दरमियानी प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट लिए, 1 चम्मच दही और ये है हमारे सारे मसाले, चाट मसाला, धनिया पाउडर, नमक, चुटकी गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। सबसे पहले हम इन चीज़ों को कीमे के अंदर शामिल कर देते हैं। ये चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल पिसी हुई मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें, चाट मसाला है, नमक है, गरम मसाला है और धनिया पाउडर है। इसमें हम डालेंगे दही। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए इसे हम छोड़ देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, ताकि ये अपने अंदर मसाले अच्छी तरह से जब्त कर लें। ये जब्त हो जाएगा जब तक हम इसमें ऑयल डालते हैं। मैंने इसमें मसाले डाल के कुछ देर के लिए रख दूंगी ढक के, और जब तक मैं यहाँ पे डालती हूँ ऑयल, 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाले हैं। ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें ये दरमियानी प्याज जो काट के रखी है बारीक बारीक, वो शामिल कर दूंगी और इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर है जो प्याज को मैं थोड़ा थोड़ा सेलो फ्राई कर रही हूँ। बस देखिए ये कलर चाहिए था और ये कलर प्याज पे आ चुका है। अब इसमें मैं कीमा शामिल करूंगी, तो इसके अंदर मैं ये जो कीमे पे मसाला लगा के रखा हुआ था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि चिकन जो है वो फौरन गल जाती है, चिकन को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर चुकी हूँ। अब इसे ढक के हम रख देंगे, तो इसके अंदर ये कीमा जो है फ्राई हो जाएगा। से 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन ढक के स्लो आंच पे छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले लूंगी 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे हम शामिल करेंगे इसमें। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। डालेंगे पिसी हुई चीनी, नमक। अब इसे अच्छे से हम फेंटेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि अंडे में ये जब्त हो जाए और अच्छी तरह ये फेंट ले अंडों को। तो ये जो आधा रखा हुआ है उसे भी हम शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। जब तक मैं इसे फेंट रही हूँ, इसको तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए आप लोग कंजूसी ना करें और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको मैं फेंट चुकी हूँ। इसमें मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, ताकि इसमें कोई घुटनी कोई लम्स ना पड़े। ये थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे इसमें। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि इसमें लम्स या गुठली ना पड़े। ये देखिए मैं सारा मैदा इसमें डाल चुकी हूँ। अब अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि बैटर रेडी हो रहा है और इसमें कोई गुठली कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल सही बैटर हमारा तैयार हो चुका है। हम कीमे को चेक करते हैं कि हमारा कीमा तैयार हो गया। तो अभी हम कीमा चेक करने लगे हैं कि कीमा तैयार हुआ है या नहीं। ये कीमा हमारा भुन रहा है, थोड़ा इस पर हम
तेज आग कर देंगे ताकि जल्दी से हो जाए, ये खुश्क हो जाए, बस होने वाला ये, क्योंकि चिकन को गलने में टाइम नहीं लगता। चिकन आप लोग को पता है कि फौरन ही हो जाती है तैयार। ये हमारा चिकन जो है देखें आप, तैनात रेडी हो चुका है, क्योंकि ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मैंने फ्राई पैन लिया है नॉन स्टिक, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा मक्खन जो है वो ग्रेस कर लूंगी, पूरी फ्राई पैन पे फैला दूंगी, बस। ये देखिए तो इसकी साइडों पे भी लगा लीजिएगा ताकि हमारे को निकालने में बिल्कुल आसान तरीके से ये निकल आए बाहर। ये चारों तरफ मैंने मक्खन लगा दिए और इसे हमने गरम करने के लिए रख दिए। ये बैटर जो मैंने बनाया है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का है। अब मैं इसमें जो फ्राई पैन मैंने गरम रखा था मक्खन लगा के, उसमें मैं ये आधा डाल दूंगी। तो इसे हम सिलो आंच पे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हम ढक के रख देंगे आंच के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर, और आधा बैटर मैंने डाला है। 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक के रख दिया है और सिलो आंच पे इसे मैं पकने। देखिए तो हमारा ये जो है देख रहे हैं कि पक गया है। तो ये पक चुका है, सिर्फ 3 मिनट में ये तैयार हो चुका है। अब मैं इस पे ऊपर जो कीमा बना के रखा था वो फिलिंग करूंगी। इस पे जो है मैं कीमे की फिलिंग कर रही हूँ, या हम इस पे अच्छी तरह से कीमा जो है मैंने बनाया वो फिलिंग कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं चीज शामिल करूंगी। अब जो है मैं इसके ऊपर चीज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने चीज़ जो है मोज़ेला ली है, आपको जो चीज़ पसंद हो वो आप ले सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादातर मोज़ेला पसंद है तो मैं मोज़ेला ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मैंने कीमा बिछाया है, ऊपर से चीज़ डाली है। अब जो है थोड़ा कीमा बच गया था वो भी मैं ऊपर से फिलिंग दे रही हूँ इसकी। आप देखिए कितना मजेदार लग रहा है और ये खाने में तो और ही मजेदार लगेगा। अब ये जो बैटर हमारे पास बचा हुआ था वो हम तमाम इसके ऊपर डाल देंगे, लेकिन इस तरीके से डालेंगे कि फैले नहीं, सिलो सिलो करके डालेंगे। अगर एक साथ प्याले के साथ उंडे लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए तो तमाम बैटर मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ और दोबारा से इसे हम ढक के रख देंगे सिलो आंच पे। तो ये बैटर भी हमने जो बचा हुआ था वो डाल दिया है, फिलिंग भी कर दी है। अब इसे ढक के फिर हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, हल्की आंच करेंगे। यहाँ पर जो है 5 मिनट हो चुके हैं और मैं 5 मिनट बाद हटा के प्लेट को देख रही हूँ कि कैसा कीमा केक हमारा कैसे तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है, लेकिन इसे मैं पलटूंगी, प्लेट ढकेंगे इसके ऊपर से। मैं अब पलटा रही हूँ क्योंकि हम दूसरी साइड भी इसकी पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने दोबारा पैन को गर्म रखा है। एक तरफ से तो हमारा ये पक चुका है, लेकिन इसे हमें थोड़ा दूसरी तरफ से गोल्डन करना है। इसमें मैं थोड़ा सा मक्खन डाल रही हूँ और उसी तरीके से फैला दूंगी इसके अंदर। इसे ग्रीस कर चुकी हूँ मक्खन लगा के। आप ऑयल से भी कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से थोड़ा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इस पैन के अंदर इसे डालने लगी हूँ। दूसरी तरफ से सिकाई करने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त सा हमारा कीमा केक तैयार हो गया है। रमजान के लिए रेसिपी बहुत आपको काम आएगी और ये बहुत मजे का बनता है कीमा चीज केक। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत डिफरेंट है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को ये केक कैसा लगा। देखिए कितना सॉफ्ट कीमा चीज़ केक, बिल्कुल डिफरेंट है। रमज़ान में बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, आप लोग को बहुत काम आएगी और ये झटपट बन जाती है। ये 2 मिनट मैंने पकाया है और ये हो चुका है तैयार, तो इसलिए मैं इसको अब डिस आउट कर रही हूँ। ये हमारा कीमा केक चीज़ बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आप लोग ज़रूर, अब मैं आप लोगों को ये कीमा चीज़ केक जो है वो कटिंग करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप मटन से भी बना सकते हैं इसे।
और चिकन से भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे चिकन से बनाया था और आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा केक, चीज़ केक जो है वो तैयार हो चुका है। खाने लगी हूँ और आप लोगों को खा के बताती हूँ कि कैसा मजे का बना है। बच्चे बड़े बूढ़े सब इसे शौक से खाएंगे और इंजॉय करेंगे। वाह क्या केक बना है। आप लोगों ने बहुत से केक खाए होंगे मगर ये केक मुझे उम्मीद है आपने कभी भी नहीं खाया होगा। आप लोग जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइए, क्योंकि 15-20 मिनट में केक तैयार हो जाएगा। तो आप मज़ेदार इंजॉय कीजिए। वाह क्या चीज केक बनाए हैं। जरूर बनाया, मैं आपको कहूँ सारे तलन से ये डिफरेंट है। हर मेहमान आपकी तारीफ करेगा और आप उनके तारीफ के हकदार बन जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मेरा हौसला जो है बहुत बढ़ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बनाना छोड़ देती हूँ वीडियो, लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मेरा हौसला। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, तो आप लोग कंजूसी ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।